गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर दो में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड द कैपेसिटेंस में जो एक टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप ये देख रहे हैं, ये एक डाइपोल है जो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल 2L। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। So what happens, the force on this charge is just plus Q in this direction of electric field, and force on this negative charge in opposite to the direction of electric field. So these two equal and opposite forces constitute the torque on this dipole. So this dipole is tend to align in the direction of ये क्या है कि घूमना शुरू कर देगा। It will be the some torque provided the rotational effect. So what will be the expression for that torque? तो हमको निकालना है। तो टॉर्क सबसे पहले हमें देखना है कि वी वांट टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस टॉर्क टेंड टू अलाइन दिस डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करता है। तो हाउ मच इज दैट टॉर्क? तो टॉर्क हम जानते हैं, टॉर्क को हम कहते हैं कोई सा एक फोर्स, आइदर ऑफ फोर्स एंड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। तो इन दोनों में कोई भी फोर्स या ये और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाली, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमको निकालना है। तो इधर ऑफ फोर्स दैट इज द क्यू वी इन टू एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2L साइन थीटा, बिकॉज दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 2L, सो वी हैव दिस 2L साइन थीटा। तो दैट इज क्यू वी इंटू 2L साइन थीटा, और क्यू वी इंटू 2L अलग कर दिया। तो ये दैट इज द पी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी साइन थीटा। ये टॉर्क का एक्सप्रेशन हो गया, आपका ये देखिएगा, टॉर्क का एक्सप्रेशन हो गया पी साइन थीटा। नाउ अब हमको क्या करना है कि माना कि हमने इस डाइपोल को अगेंस्ट टॉर्क डी थीटा एंगल से घुमाया, हमने डाइपोल को टॉर्क के अगेंस्ट डी थीटा एंगल से घुमाया, तो हमको एक स्मॉल वर्क डन करना होगा, दैट इज इक्वल टू टॉर्क इनटू डी थीटा। ये सेम एक्सप्रेशन है जैसे आप देखते हैं एक लीनियर एक्सप्रेशन जो होता है, तो वहाँ पे वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड बिकॉज हेयर इज द रोटेशनल मोशन, बिकॉज टॉर्क प्रोवाइड द रोटेशनल मोशन, टॉर्क प्रोवाइड द रोटेशनल मोशन, तो यहाँ पर वर्क बराबर हो जाएगा। दिस इज द टॉर्क, टॉर्क गिव्स द सेम इफेक्ट एज द फोर्स गिव्स इन द लीनियर मोशन, एंड डी थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये उसी तरीके से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो पी साइन थीटा डी थीटा। माना कि आप डाइपोल को किसी पर्टिकुलर एंगल से घुमाते हैं, थीटा वन से थीटा टू, टोटल वर्क डन इतना करना पड़ेगा। तो आफ्टर सॉल्विंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन पी कॉस साइन थीटा का हो गया माइनस कॉस थीटा, लिमिट साथ थीटा वन से थीटा टू पी, इसको आप जब लिमिट इम्पोज करेंगे तो दैट विल बी कॉस थीटा। तो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन, तो यही वर्क डन डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो दैट इज यू बराबर पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी प्लेस ऑफ द डाइपोल प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। माना कि इनिशियल एंगल अगर थीटा है, माना डाइपोल इनिशियली, डाइपोल जैसे ये आपका डाइग्राम है, ये डाइग्राम है, माना डाइपोल इनिशियली ऐसे है, ऐसे, और फिर बाद में इस एंगल पे आ जाता है, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन रहेगा उस कंडीशन में, बिकॉज थीटा वन इक्वल टू 90, थीटा टू थीटा, दैट विल बी यहाँ पर 90 होगा तो ये जीरो हो जाएगा, थीटा टू थीटा तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो इट विल बी पी माइनस कॉस, तो पी डॉट ई, तो पी कॉस थीटा होता है, दैट इज द क्रॉस डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस पी डॉट ई। तो यहाँ पर इसके बाद हम इसके कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। स्पेशल केसेस है कि अगर माना थीटा जिस एंगल पे वो आता है 90 से, माने ये 90 है, इस तरीके से डाइपोल है, और फिर बाद में घूम करके ऐसे हो जाता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइंग हो जाता है, तो उस कंडीशन में थीटा हम जीरो रख रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपका हो गया U बराबर माइनस पी ई। तो दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होती है? जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होता है
और उसको हम पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब सेकंड यही केस है, यहाँ पर माना कि जीरो पोटेंशियल एनर्जी, तो थीटा वन थीटा जीरो है, थीटा जीरो है, कहने का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि डाइपोल को हमने इस एंगल पे रखा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल को ऐसे में रखा हुआ है, तो और दैट डाइपोल इज नॉट रोटेटेड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इन दैट कंडीशन जीरो एनर्जी, घूम नहीं रहा, उसी तरह से वो फिक्स है, तो उसकी जीरो पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसका कारण ये होता है कि अब ये जो दो चार्ज होते हैं डाइपोल पे, प्लस क्यू माइनस क्यू, अगर हम इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाएं तो हमारे लिए जो चार्ज, दोनों चार्जेस के लिए जो वर्क डन होता है, तो इन्फिनिटी टू दैट इज कैप परपेंडिकुलर टू इट, तो इन दिस कंडीशन नेट वर्क डन ऑन द चार्जर प्लस क्यू माइनस क्यू इज जीरो, सो दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। तीसरी कंडीशन है, अगर हम डाइपोल को इस तरीके से हम उल्टा घुमा दें इधर, मतलब एंटी पैरेलल कर दें, तो थीटा जो है, थीटा इज द एंगल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। थीटा कौन सा एंगल है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के साथ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, तो उस कंडीशन में दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और जब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है तो दैट विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, जीरो पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द नो वर्क इज रिक्वायर्ड, एंड थर्ड वन इज अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, इसका मतलब ये हुआ कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि अगर आप डाइपोल को 180 डिग्री पे घुमाते हैं या छोड़ देते हैं तो वापस घूम जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उस कंडीशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। नाउ अब हमारे पास आप जानते हैं कुछ और टॉपिक, एक नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द कंडक्टर एंड द इंसुलेटर। कंडक्टर आप जानते हैं जिसमें कि जो आपका चार्ज फ्लो करता है, जिसमें से होकर चार्ज फ्लो कर जाता है, और चार्ज मींस कौन फ्लो करता है, दैट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, आपका सिल्वर, ग्रेफाइट, ह्यूमन बॉडी, अल्कलाइन सब्सटेंसेस एंड द एसिड्स, ये एग्जांपल है। इंसुलेटर जिसमें विच डू नॉट अलाउ द फ्री फ्लो ऑफ द चार्ज, दीज आर द सब्सटेंसेज वी डू नॉट अलाउ फिजिकल मोमेंट ऑफ द चार्ज। ऐसा नहीं कि इंसुलेटर में चार्ज नहीं होता है, चार्ज होता है लेकिन फ्री नहीं होता है, वो फ्लो नहीं कर पाता। सो दैट्स वाई जैसे डायमंड है, ग्लास है, वुड, माइका, वैक्स, डिस्टिल्ड वाटर। नाउ अब हमारे पास दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक होता है फ्री चार्ज, तो विच कैन मूव अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, विच मूव्स अपोजिट टू द एक्सटर्नल कॉल्ड द फ्री चार्ज, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टी तरफ चलता है उसको हम फ्री चार्ज बोलते हैं, जैसे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे ही बाउंड चार्ज क्या होता है? बाउंड चार्ज विच इज टाइटली बाउंड टू इट न्यूक्लियस, इट कैन नॉट डिटैच्ड फ्रॉम इट्स एटम, एंड दिस इज कॉल्ड एज बाउंड चार्ज। तो बाउंड चार्ज क्या होता है? जो ऐसा चार्ज जो एटम से डिटैच नहीं हो पाता है, ठीक है ना, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो चार्ज जैसे हमने एटम से बाहर हो गया, मतलब एक फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एटम से डिटैच नहीं होगा, अगर जब तक डिटैच नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, एंड जब तक फ्री नहीं होगा तो दैट कैन नॉट बी सेट टू बी द फ्री चार्ज, तो उसको हम फ्री चार्ज नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो प्रकार के चार्ज हो गए, फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कंडक्टर की प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर, ये कंडक्टर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाता है, नेट फील्ड जीरो हो जाता है, ठीक है। कंडक्टर के बाहर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होता है, नॉर्मल मतलब जैसे ये कंडक्टर है, जैसे माना ये कंडक्टर है, इसका नॉर्मल हर पॉइंट पे नॉर्मल,
इन द नॉर्मल डायरेक्शन, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर जीरो, एनी एक्सेस ऑफ चार्ज रिजाइड्स ऑन द सरफेस। तो कंडक्टर के अंदर, जैसे अंदर चार्ज जीरो होगा, अगर उसमें कोई चार्ज है तो सरफेस पर रिजाइड करता है, ये सरफेस पर चार्ज रिजाइड कर रहा है, सरफेस पर चार्ज अवेलेबल। नाउ जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका गॉसस थ्योरम है, ई डॉट डी एस इक्वल टू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, या यूँ कह सकते हैं कि कोई फ्लक्स यहाँ से एमर्ज नहीं हो रहा है, चार्ज है नहीं, तो जब चार्ज नहीं है, जब चार्ज ही नहीं, चार्ज नहीं है तो क्यू जीरो होगा, तो ई डॉट डी एस जीरो होगा, क्योंकि इसमें डी एस तो जीरो हो नहीं सकता, सरफेस एरिया जीरो नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा अंदर। नाउ पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट विद इन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, पोटेंशियल कॉन्स्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, इस पर पोटेंशियल कॉन्स्टेंट रहेगा। जैसे ई बराबर डी वी बाई डी आर होता है माइनस, अगर ई जीरो है, अगर ये जीरो है तो डी वी बाई जी डी आर जीरो है, इसका मतलब डी वी बाई डी आर जो अगर वो जीरो है तो वी कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू दिस डिस्टेंस दैट इज जीरो, दैट्स वाई बी इज कॉन्स्टेंट। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। हमने कोई कंडक्टर ले लिया, उसका एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया, सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होता है सरफेस के, और ये जो है सरफेस एरिया माना डी एस, तो दिस ई डॉट डी एस फ्लक्स जो निकलेगा यहाँ से दैट विल बी ई डॉट डी एस। फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है इन जनरल, एंड क्यू बराबर होगा चार्ज बराबर होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया, तो ये दोनों इक्वेट करेंगे तो यू विल हैव इक्वल सिग्मा, सिग्मा पर एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा पर एप्सिलॉन नॉट। छठा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इन द कैविटी, माना कोई कैविटी है, ये कैविटी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा एंड वी कॉन्स्टेंट होगा। ये कुछ कंडक्टर की, चार्ज कंडक्टर की प्रॉपर्टीज है। नाउ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी टू स्टोर और होल्ड द चार्ज बाय द कंडक्टर। अगर माना किसी कंडक्टर को आप क्यू चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल वी बढ़ जाता है, अगर उसका चार्ज बढ़ाता है तो पोटेंशियल और इंक्रीज हो जाता है, इसका मतलब क्यू प्रोपोर्शनल टू वी। तो क्यू बराबर सी वी, सी इज द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। तो सी बराबर हो जाएगा क्यू बाई वी, तो कैपेसिटेंस इज चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, तो कंडक्टर का कैपेसिटेंस किस किस बात पर डिपेंड करता है, एक तो उसके साइज और शेप पर डिपेंड करता है, दूसरा नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मीडियम कैसा है, मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है, एंड प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर नियर बाय, मतलब दूसरे कोई नज़दीक कोई और कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटेंस उस बात पर भी डिपेंड करता है। अगर हम अनचार्ज, जैसे कि किसी चार्ज कंडक्टर के नज़दीक कोई अनचार्ज कंडक्टर ले आते हैं तो हम उसके कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ यूनिट क्या होती है, क्यू, तो सी बराबर क्यू बाई वी, सी इज़ द कैपेसिटेंस, क्यू इज़ द चार्ज, वी इज़ द पोटेंशियल, तो इसका कूलम होगा, इसका वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट, इसी कूलम पर वोल्ट को आप फैराड भी कहते हैं, इस कूलम पर वोल्ट को आप फैराड, एफ ए आर ए डी। तो एक फैराड क्या होता है, इट इज़ द कैपेसिटेंस विच इंक्रीज द पोटेंशियल बाय वन वोल्ट इफ चार्ज ऑफ वन कूलम इज गिवन टू द कंडक्टर। अगर आप किसी कंडक्टर को एक कूलम चार्ज देते हैं और उसके पोटेंशियल को वन वोल्ट बढ़ाता है तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा दैट इज़ वन कूलम पर वोल्ट, यानी कि वन फैराड होगा, क्योंकि फैराड इज़ अ वेरी बिगर यूनिट, फैराड बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसलिए उसकी जो प्रैक्टिकल पर्पज़ में जो यूनिट यूज़ होती हैं वो ये है, मिली फैराड, 10^-3 फैराड, मिली फैराड, 1 माइक्रो फैराड दैट 10^-6 फैराड, इसको हम ऐसे लिखते हैं माइक्रो फैराड, 1 पिको फैराड 10^-12 फैराड, इसको ऐसे पिको फैराड लिखते हैं। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ चार्ज कंडक्टर, माना कोई स्फीयर है आपके पास, चार्ज स्फीयर है आर रेडियस का, उसके ऊपर चार्ज है क्यू, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो भी हम ये मान सकते हैं कि उसका चार्ज सेंटर पर कंसनट्रेटेड है, तो अगर सेंटर पर चार्ज क्यू है तो इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी 1/4 πε0 q/r, ये ऑलरेडी हमने ड्राइव किया हुआ है। तो अब यहाँ पे कैपेसिटेंस आपको लिखना है, सी बराबर क्यू बाई वी, तो क्यू बराबर,
क्यू क्यू ठीक है, क्योंकि क्यू इज अ चार्ज ऑन दिस होल कंडक्टर, वी आपने ये लिख दिया, क्यू क्यू कैंसिल हो गया, तो वी एस सी इक्वल टू 4 pi epsilon naught इंटू आर। तो यहाँ पर इसका मतलब ये 4 pi epsilon naught एक कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इसका मतलब कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज रेडियस। अगर रेडियस ज़्यादा होगी तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, रेडियस कम होगी तो कैपेसिटेंस कम होगा। तो ऐसे आप अर्थ का कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। अगर आपको अर्थ के रेडियस मालूम है और ये आपको ऑलरेडी पता है कितनी वैल्यू होती है इसकी, इसकी वैल्यू होती है 1/9 × 10^9, तो उससे आप अर्थ का कैपेसिटेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू। इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।